खबर खाजूवाला से है, जहां बीएसएफ ने 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि गाड़ी और 10 लाख रुपए भी साथ ही जब्त कर लिए गए हैं। बीएसएफ ने खाजूवाला पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने 5 लोगों को राउंडअप भी कर लिया है। संदिग्ध युवकों पर 102 में ये मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसियां लगातार संयुक्त पूछताछ कर रही हैं। आपको बीकानेर के खाजूवाला से खबर बता रहे हैं, जहां बीएसएफ ने 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है और साथ ही संदिग्ध युवकों पर 102 में ये मामला दर्ज किया गया है। खाजूवाला से खबर, जहां जांच एजेंसियां अब 5 संदिग्धों से लगातार संयुक्त पूछताछ कर रही हैं। खाजूवाला से खबर, जहां बीएसएफ ने 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि गाड़ी और 10 लाख रुपए भी उनके साथ जब्त कर लिए गए हैं। लगातार पूछताछ कर रही है एजेंसियां, जिसमें कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बीएसएफ ने खाजूवाला पुलिस को भी सुपुर्द कर लिया है और पुलिस ने 5 लोगों को राउंड अप कर लिया है। बीकानेर के खाजूवाला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां संदिग्ध युवकों पर 102 में ये मामला दर्ज किया गया है और 5 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जांच एजेंसियां लगातार संयुक्त पूछताछ कर रही हैं। कई और खुलासे इसमें किए जा सकते हैं। एक गाड़ी और 10 लाख रुपए सहित इन्हें पकड़ लिया है, जब्त कर लिए हैं गाड़ी और 10 लाख रुपए भी। आपको बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीएसएफ ने 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है। पुलिस ने 5 लोगों को यहां पर राउंड अप कर लिया है, संदिग्ध बताए जा रहे हैं और इन पर 102 में मामला दर्ज कर लिया गया है। कई और खुलासे भी सामने आ सकते हैं। जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ में जुटी हुई हैं, पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, कौन थे ये लोग, कहां से आए थे। 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है और उनसे गाड़ी और 10 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं। बीएसएफ ने 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है। बीकानेर के खाजूवाला से आपको खबर बता रहे हैं, लगातार पूछताछ में जुटी हुई है एजेंसियां, 5 लोगों को राउंडअप भी कर लिया है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन है ये 5 संदिग्ध लोग, कहां से आए थे, क्या करने की फिराक में थे। जांच एजेंसियां लगातार संयुक्त पूछताछ कर रही हैं। खाजूवाला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीएसएफ ने 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बीएसएफ ने 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता सुरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी सुरेंद्र, बताएं क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ सामने आ पाया है। जी बताना चाहूंगा कि बीकानेर जिले भर में जिस तरह से अलर्ट जारी है, तो बीएसएफ पुलिस भी सतर्क है। बीएसएफ ने रात देर रात्रि सीमावर्ती क्षेत्र 44 के एजीडी ने केवाईटी में एक गाड़ी को रोका, जहां से पूछताछ करने पर गाड़ी से 10 लाख रुपए लगभग बरामद हुए। तो पुलिस ने इन भारी नंबर गाड़ी होने के कारण विस्तार से पूछताछ कर उसको पुलिस को सपोर्ट किया है। अभी ताजा अपडेट जानकारी मिली है इस मामले में कि 44 के वाली खाजूवाला के निवासी है और इनके लड़के का बाहर गुजरात में कारोबार है, जिसके लिए शादी विवाह में सम्मिलित होने के लिए खाजूवाला पहुंचा था, और जिसके कारण इसे इसकी भारी नंबर की गाड़ी है और इससे नकदी बरामद हुई है। अब पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां है संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है। सुरेंद्र, ये बताएं कि पूछताछ में और भी कहीं बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जी बताना चाहूंगा कि यहाँ के स्थानीय निवासी व इनका पूरा परिवार खाजूवाला के 44 केवाईटी जिले का ही निवासी है। तो ये इनका व्यापार भारी होने के कारण इनलिए आए हुए थे, लेकिन ऐसी कोई सिद्धिंग इनके पास कोई वस्तु नहीं मिली है न इनके पास। यहाँ ये जरूरी है कि इतनी बड़ी रकम इस सीमावर्ती क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र में लेकर पहुंचे हैं, इसका क्या कारण है, ये विस्तार से पूछताछ की जानकारी का विषय है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें कि बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां पर बीएसएफ ने 5 संदिग्ध को पकड़ लिया है, लगातार पूछताछ भी जारी है और उनसे गाड़ी और 10 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं।